न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ब्राल गोल्ड, स्ट्रॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किन्नी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। कार्तिक स्नान करने गया युवक डूबा, अजय नदी में 3 युवक डूबे तो 2 को बचा लिया गया, एक का अब तक पता नहीं। मामूली बात पर बड़ा विवाद, चला तलवार, कई घायल, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर सड़क जाम। धूमधाम से आसनसोल में मनाया गया गुरु पर्व, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। DYFI की इंसाफ यात्रा कुछ बिहार से निकली, सोमवार पहुंची दुर्गापुर। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार के दुष्प्रचार के विरुद्ध पूरे राज्य भ्रमण में है इंसाफ यात्रा। अच्छा ना बोले तो इंसाफ पे दाबी ताचे, पहले तो बाड़ी ते बसे थाकतो। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बालक अजय नदी में डूब गया। पांडेश्वर और वीरभूम के भीमगढ़ के पास अजय नदी में 3 किशोर नहाने गए। भीमपुर के खैरासोल और पांडेश्वर थाने की पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से 14 साल के बच्चे की तलाश कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह अंडाल के उखड़ा के एक ही परिवार के 3 सदस्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पांडेश्वर में अजय नदी में स्नान करने के लिए उतरे। तभी 14 वर्षीय एक लड़का मृदुल बर्नवाल अजय को पानी में डूबने लगा, तब 2 अन्य लड़कों ने उसे बचाने की कोशिश की, वे भी डूबने लगे। स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों को तो बचा लिया गया, लेकिन मृदुल बर्नवाल डूब गया। पांडेश्वर और वीरभूम के खोइरासोल थाने की पुलिस अजय नदी में पानी में उसकी तलाश में जुट गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी तनाव है। अवैध बालू खनन से अजय नदी और गहरी होती जा रही है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। तीन चार जन छेले चान करछिलो, चान करते करते एकजन तलिए जाए आर तीन जनके कोनो उद्धार करा हय। উদ্ধার করার পর আমরা এখনো খোঁজাখুঁজি করছি, একজনকে যে ডুবে আছে পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত, পাওয়া যায়নি। যে আমরা পান্ডেশ্বর পার্টির তরফ থেকে আমরা সমস্যা ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছে যাই এবং খরিশুর থানা প্রশাসন, পান্ডেশ্বর থানা প্রশাসন বিভিন্নভাবে আমরা চেষ্টা করছি। 4-5 জনকে লোকাল নামানো হয়েছে, 4 জন তলিয়ে গেছে, তার মধ্যে 3 জনকে উঠানো হয়েছে, 1 জন তলিয়ে গেছে। ওগুলা সার্ধপরী ছেলে, 14 বছর ছিল বয়স। কোন নদীতে স্নান করতেছি? অজয় ঘাটে, ভীমগড় ঘাটে, বীরভূমে, বীরভূম ঘাট, পান্ডেশ্বর, উগরা, সার্দপল্লী ছেলে। आज आसनसोल के रेलपार इलाके में उस समय हंगामा बढ़ गया जब वहां जहांगीर मोहल्ला के लोगों ने KT रोड पर पथावरोध कर दिया। जहांगीर मोहल्ला के लोगों ने ओके रोड निवासी कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके इलाके में कुछ लोगों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। इस बारे में मोहम्मद वासी नामक एक व्यक्ति ने बताया कि एक मामूली बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद ओके रोड के रहने वाले इकरामुल और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित मोहम्मद फरहान ने बताया कि एक मामूली बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और उन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जहांगीर मोहल्ला फाड़ी ने इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता से नहीं लिया, इस वजह से उन्होंने आज पथावरोध कर दिया। आखिरकार जहांगीर मोहल्ला फाड़ी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस द्वारा जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। दुकान बंद था, मेरा लड़का वापस आता रहा, एक लड़का बोला जो हमको आगे जाके छोड़ देना, मेरा लड़का छोड़ दिया, उसको व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दिया, जो लोग मतलब प्लान बना ले रहा, फोटो भेज के वो लड़का फोन करके पूछ रहा है लड़का है, तो बड़ा भाई बोला ही नहीं है, छोटा भाई बोला ही लड़का है, पकड़ो उसको। पकड़ के 10-12 लड़का बांस से मारा है सर, इतना मारा जो हॉस्पिटल पहुँच गया। हम लोग अगर मारना रहता सर तो हम लोग समझाने नहीं जाते। हम जो एक रामुल है ना उसका लड़का मारा, एक रामुल का लड़का, इतना भी बॉस अच्छा नहीं है, बॉस सब है मगर आदमी बॉस जताता नहीं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग का मोहल्ला का लड़का लोग एक्शन लेगा। ओके रोड में एक रामुल नाम का गुंडा है जो अवैध जमीन पर कब्जा करके भाड़ा खाता है वहाँ पर टेम्पो स्टैंड में,
अपना एक लड़का को मारा है जो अभी तक वहाँ बैठा हुआ पेशेंट का फोटो ले सकते हैं। उसका लिए पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक जुम्मा का दिन केस हुआ है, अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए मारा। इसलिए हम लोग झमेला हुआ है दूसरा मामला में। इसलिए झमेला इसलिए मारा, ये लोग दिया रहा वहाँ मेजबल करने के लिए, बात करने के लिए चारवाल से मारा है। मामला का बात है, दोनों मामला का, अभी मामला का भी मामला का, उन लोग तलवार हुआ से एकदम हमला कर दिया। तलवार ये तलवार निकलने का कोई सीन नहीं था, इतना अभी मारा 12 को 17 को टाका पड़ा, पूरा चेस्ट में चोट लगा हुआ है, आंख का हड्डी टूट गया है, शोल्डर पूरा इंजर्ड है। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई बात नहीं था, ये गया था समझाने के लिए, आप बच्चा को मारे हैं, गाड़ी छीन लिए, आप दे दीजिए, मामला का तो बात है, बस यही बात था, इसके अलावा कोई बात नहीं था। बताइए तलवार अब उजाली निकाल के मारेगा? बोलिए ऐसा होता है? अब पुलिस एकदम कुछ नहीं बोला, पुलिस बोल रहा कि आप लोग का कंप्लेंट कमजोर है, इसीलिए वो लोग खुला घूर रहा है। आज बारावनी विधानसभा के भनोड़ा कोलेरी इलाके में सुस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा बारावनी के विधायक विधान उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहां पर नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर टीएमसी नेता आशीष सिंह ने बताया कि इस सुस्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में 47 लाख रुपए की लागत आएगी। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আমাদের বিধানসভা এখানে 12টা ওপেনিং আজকে তো হয়েছে, 12টা স্যাংশন হয়েছে, আস্তে আস্তে হবে এবং প্রত্যেকটা গ্রামেই প্রায় প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে বলুন এবং বড় বড় ভিলেজগুলো তো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হচ্ছে। এটা আনুমানিক কত টাকা খরচা আছে? এটা কোন ফান্ড থেকে হচ্ছে? অভিনব কিন্নি হাউস एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी, ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसुस। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को। आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। Shura Nursing Institute of Asansol, providing a 3-year diploma course in general nursing and midwifery GNM for plus 2 passed with minimum 40% marks, and 4-year undergraduate course in BSc nursing for plus 2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Bisra Nursing Institute of Asansol, Baghbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahari, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुलटी। गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल के इस्माइल इलाके में स्थित गुरु नानक स्कूल प्रांगण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न सिर्फ सिख समुदाय के लोग बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आए। यहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, सभी ने यहां मत्था टेका और कड़ा प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लंगर भी चखा। इस दौरान पंच प्यारों के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली, जो आसनसोल के मुर्गासोल स्थित गुरु नानक नगर गई। यहां प्रशासन की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किए गए थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज बर्णपुर के भूतनाथ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आए। इनमें बड़ी संख्या में छठव्रती भी थे। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर छठव्रती पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो वह बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा शिविर भी लगाए गए थे, जिनमें मौजूद स्वेच्छा सेवकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा भूतनाथ मंदिर में छठ व्रतियों जो छठ पूजा करती है वो लोग कार्तिक स्नान करने आती है। तो हम लोग विगत बहुत वर्षों से यहाँ पर ही चाय पानी का सेवा देते आ रहे हैं, भाई भाई सेवा समिति स्टेशन और बर्णपुर की तरफ से। पिछले वर्ष की बात, इस वर्ष भी भीड़ बहुत अधिक है और हम लोग सबको सेवा दे रहे हैं। घर को शानदार बनाने के लिए पधारी दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सुमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवाड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में। फाइनेंस की सुविधा के साथ तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ब्रॉल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट, साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आएं ब्रॉल गोल्ड आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल सिटी रोड आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन दी फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार, यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन दी फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। 25 दिन पहले कुछ बिहार से शुरू हुई थी इंसाफ यात्रा। इसके उद्देश्य राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और भाजपा के दुष्प्रचार को राज्य की जनता के सामने उजागर करना था। इस इंसाफ यात्रा में DYFI नेता मीनाक्षी मुखर्जी मुख्य नेता थी। सोमवार को इंसाफ यात्रा दुर्गापुर पहुंची। इंसाफ यात्रा दुर्गापुर के विधान नगर के 1500 मोड़ पर पहुंची। फिर उन्होंने वहां से यात्रा आगे बढ़ाई और दुर्गापुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस पदयात्रा में मीनाक्षी मुखोपाध्याय के साथ अभिनेता देवदूत घोष समेत कई DYFI कार्यकर्ता और CPIM कार्यकर्ता समर्थक भी थे। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, इसलिए इंसाफ यात्रा में शामिल लोग अपना हक मांग रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दुर्गापुर में फैक्ट्री बंद हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है। इस यात्रा में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार दुर्गापुर नगर निगम के चुनाव करवाने से डर रही है। उन्होंने तृणमूल और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नियम कानून के तहत वोट करेंगे तो लोग दोनों पार्टियों को समझा देंगे। দিন ধরে তো আমরা হাঁটছি, গোটা রাজ্যের মানুষ খুব কষ্টে রয়েছে, কাজ না পেয়ে, খাবার না পেয়ে, এবং তার থেকে বড় হলো এ সরকার দুর্নীতি করেছে। কিন্তু মানুষ হচ্ছে এমন একটা জীব যে লড়াই করে নিজের মান সম্মান আদায় করেই ছাড়ে, ফলে মানুষ ইনসাফ যাত্রায় পা মিলাচ্ছে, আর সেই ইনসাফ যাত্রাতেই আজকে আমরা দুর্গাপুরে রয়েছি। আচ্ছা না বলেই তো ইনসাফের দাবিতে আছে, পেলে তো বাড়িতে বসে থাকতো। প্রশ্নটা তো ওদেরকে করতে হবে যে ভোট ট্যাক্স সব তো দিয়েছি, তাহলে কাজটা কোথায় গেল? আম্বানি আদানির কোলে দোল খেলে তো হবে না, গরিব খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের হাতে কাজ দিতে হবে। দুর্গাপুরের গোটা শিল্পাঞ্চল ধুকছে, বন্ধ করে দিচ্ছে, বস্তি তুলে দিচ্ছে, কে নেবে দায়িত্ব? তাহলে সরকারের কাছে যে আশা করা হলো, সরকার তো তারই বিরুদ্ধে না ইনসাফি করছে, তাই তো আজকে গোটা রাজ্য ইনসাফের পদযাত্রায় পা মেলাচ্ছে। सलानपुर ब्लॉक के वासुदेवपुर जेमारी अंचलिक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोमवार को पार्टी कार्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अरमान और उपाध्यक्ष भोला सिंह उपस्थित थे। इस दिन आंचलिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से सभी रक्तदाताओं को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर विशेष सम्मान दिया गया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि यह वासुदेवपुर जेमारी आंचलिक तृणमूल कांग्रेस की बहुत अच्छी पहल है, ऐसी पहल होनी चाहिए। सभी प्रखंडों को क्षेत्र समितियों द्वारा ऐसे शिविर लगाए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अस्पताल में खून की कमी ना हो। चूंकि अभी खून की कमी है, इसलिए विधायक के निर्देश पर यह शिविर लगाया गया है। हमारा एक ही प्रयास है कि रक्त की कमी के कारण किसी की मौत ना हो, इसलिए सभी आगे आएं और रक्तदान करें। इसके अलावा शिविर में लगभग 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में पंचायत प्रधान अनिल धीवर, पंचायत समिति सदस्य सुशांत मंडल, आंचलिक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम नाथ, युवा तृणमूल नेता शंटू नाग, सचिन, तृणमूल नेता गोपाल दास, एस के हासिब सहित सभी आंचलिक तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय विधायक के निर्देश है बासदेवपुर जिमारी पंचायत एर आगे ब्लड डोनेशन कैंप यही पार्टी ऑफिस ही चलो पार्टी टोटली पार्टी तरफ थी হাসপাতাল হচ্ছে এবং আগামী দিনে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা হবে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে প্রত্যেক আমাদের পার্টি অফিসে আমরা এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করাবো, যাতে রক্তের অভাবে কোনো মানুষ সেই পঞ্চায়েতে মারা না যায়। নিউজ প্রহর কে প্রায় ব্রাল গোল্ড স্টপ অন मोहन दी फैमिली स्टोर, अभिनव किन्नी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज,
आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन मोबाइल हॉस्पिटल बीएन घाटी मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल